नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा में पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी के कार्यालय पर आयोजित लोधी क्रांति सेना टीकमगढ़ के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया, जहां आपको बता दें कि स्वामी ब्रह्मानंद, गुलाब सिंह व रानी अवंतीबाई लोधी व राजा हृदय शाह सभी के छायाचित्रों पर फूलमाला चढ़ाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए एवं जिले के सभी सामाजिक संगठनों के सराहनीय सहयोग से प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें कि कक्षा 10 और 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उम्मीता राहुल सिंह लोधी, पूर्व मंत्री एवं मार्गदर्शक क्रांति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष राम खिलावन लोधी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धन सिंह लोधी द्वारा समाज में शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन दिया और जिले के होनहार प्रतिभाओं का फूलमाला प्रशस्ति पत्र और महारानी अवंतीबाई का छायाचित्र भेंट कर सम्मान किया गया। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन और उपदेश अनुकरणीय है। क्रांति सेना जिन छात्राओं का प्रदेश की टॉपर श्रेणी में, जिले की टॉपर श्रेणी में नाम है, उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। क्रांति सेना टीकमगढ़ की ओर से आप सभी आगंतुक सम्माननीय अतिथियों, जिले के वरिष्ठ समाजसेवी जनवा जन प्रतिनिधियों और सभी संगठनों के पदाधिकारियों, माताओं बहनों, छात्रों छात्राओं, बुंदेली गायक, बुंदेली कॉमेडी कलाकारों सहित पत्रकारों और समाज के सभी सदस्यों, कार्यक्रमों में दूर दराज से सम्मिलित हुए सभी सामाजिक बंधुओं को क्रांति सेना ने सभी को हृदय गहराइयों से आभार व्यक्त किया। लोधी क्रांति सेना जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह लोधी व क्रांति सेना की संपूर्ण टीम धन्यवाद की पात्र है, जो एक सफल सेना के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ से कमल राजपूत की रिपोर्ट। हमारे अभी 10th और 12th में अच्छे जिनके परसेंटेज आए, अच्छा मार्क्स आए, उनका सम्मान हो जाए, लोग उनको जाने कि हमारे समाज में भी ऐसा ऐसा टैलेंट है, क्योंकि पता ही नहीं होता कि टैलेंट इतना सारा है हमारे समाज में, उनका सम्मान हो, उनका उत्साहवर्धन हो और जो पेरेंट्स, अन्य बच्चों के पेरेंट्स भी जो आए हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ा के उनका सम्मान हो सकता और उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। इतने धूप में, इतनी गर्मी के बावजूद लोग 4-5 घंटे से सुबह 11 बजे लोग आ गए थे यहाँ पर, वो 11 बजे से सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार, आप सबके सहयोग से ही आज ये कार्यक्रम सफल हो पाया। और मेरा तो बस इतना ही कहना है कि देखिए, कई सालों से संघर्ष हो रहा है। ये बुंदेल उमा शंकर जी, इधर आइए, उमा शंकर जी, मनमोहन दादा इधर आइए। कई सालों से बुंदेलखंड में संघर्ष हो रहा है। टीकाराम जी, दयाराम जी, डॉक्टर साहब, सब लोग पुराने लोग जो हैं। आप कैसे बने साथियों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के अभाव से बुद्धि गई, शिक्षा के अभाव से बुद्धि गई और बुद्धि के अभाव से गति गई, गति के अभाव से मत गई और मत के अभाव से धन गया और धन के अभाव से आप लोग साथियों गुलाम हुए थे। कारण क्या है? अकेले शिक्षा, क्योंकि आप लोगों के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद कर दिया गया था और आपको गुलाम बना लिया गया था। तो साथियों, अब शिक्षा का दरवाजा खुल गया है। आज हमारे बीच में माननीय राहुल भैया और हमारे बीच में जनपद अध्यक्ष बहुजा, जिन्होंने छात्र छात्राओं का सम्मान किया है, ऐसा मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में और प्रत्येक पंचायत में इस प्रकार का सम्मान समारोह होना चाहिए। जितना भी हमारे प्रतिभावान छात्र है उनका सम्मान होना चाहिए। तो साथियों, लोधी क्रांति सेना का आपके खरगापुर में यह पहला कार्यक्रम है। इसके पहले भी हम जब सागर है, पन्ना है, कटनी है, इस प्रकार के कई जगह हम कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और आप लोगों से भी हम निवेदन करने के लिए आए हुए हैं कि आप लोग भी इन बच्चों का सम्मान करने के लिए साथ दें। इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों, मैं अपनी पारी को विराम देता हूँ। जय अवंती, जय लोधेश्वर, जय संविधान, जय भारत। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।